यहाँ पे एक चीज और हमने नोटिस नहीं की। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है ना हम चेक करने आए जंगली कबूतर ने अंडे है ना एक्सेप्ट किए या नहीं अच्छे तरीके से। यार यहाँ पे है ना कल हमने देख तो लिए थे, लेकिन वो शाम के टाइम पानी की वजह से है ना उड़ गई थी। पानी वाले मौसम हो रहा था, जब पानी वानी गिर रहा था उस टाइम पे वो उड़ गई थी, और जब से है ना हम देखने नहीं आए थे तो मैं अभी देखने आया हूँ यार कमरे में। तो यहाँ पे देखिए वो कमरा है, तो हम यहीं से देखें। ओ माशाल्लाह यार बैठी है ये, देखिए आपको दिख तो नहीं रही होगी, वो देखिए हल्की हल्की भाई क्लियरली नहीं दिख रही है यार, रुक जाइए अभी आपको दिखेगी। ये देखिए आपको नज़र आ गई होगी शायद। चलो इसे परेशान नहीं करते यार, अपन वो उड़ गई फिर से। चलो ये तो आ जाएगी अभी ना, खुदा कितनी देर उड़ती है। अब ये देखिए वहाँ पे जाके वो खम्भे पे जाके बैठ गई वापस से। चलो इसे बैठ जाने देते हैं और अपन चलते हैं यार ऊपर, और हमारे कबूतरों को भी देखते हैं यार वो अंडे इंक्यूबेट कर रहे हैं या नहीं। दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे पिजन हाउस के पास, और यहाँ पे है ना हम क्या करते हैं यार हमारे कबूतर खोलें क्या? दोपहर पड़ रही है लेकिन अभी ना। चलो हम थोड़ी देर से खोल लेंगे, नहीं तो खोल देते हैं ना, यहीं पर रहना तुम उड़ाना मत कबूतर लेकिन, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं सारे कबूतर खोल रहा हूँ यार, मेरे डर लगता है लेकिन कबूतर खोलने में। थोड़ा सा दाना यहाँ पे डाल देना हल्का सा, है ना, बिल्कुल जर रहा था अभी एक मुट्ठी से भी कम, क्योंकि यार अंदर मिर्ची किसको खिलाएंगे तोतों को। हाँ बस इतने दाने रहे हैं तो यार दोस्तों मैं कम दाना के इसलिए बोल रहा हूँ यार, क्योंकि है ना मुझे डर लगता है कि चील मिल आ गई तो फिर एकदम बंद नहीं कर पाएंगे हम कबूतर। कौन सा उड़ गया ये? तो इधर आओ एक साइड। चलो पानी भी देखिए गंदा संदा हो रहा है यहाँ पे। पत्ते मत कैसे डाल दिए इसके अंदर क्यों? उसमें तो चलो यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ सारे कबूतर खोल दिए मैंने, और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ यार यहाँ पे है ना अंडों को इनक्यूबेट कर रहे हैं या नहीं। तो देखिए इसके नीचे रखे हुए हैं यार दो जंगली कबूतर के अंडे, रखे हैं माशाल्लाह इनक्यूबेट भी कर रहा है। इसके नीचे रखा है एक अंडा जो कि यार इसका है, इस कबूतर का, ये इनक्यूबेट कर रहा है। तो यही माशाल्लाह देखिए पूरा कवर करके बैठा है, और यहाँ पे है ना ये लक्खा भी यहाँ पे घूम रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ और हमने नोटिस नहीं की, यहाँ पे देखिए दो दो अंडे यार, हमें है ना देखा ही नहीं है ना इस कोने में, अपन ने ध्यान नहीं दिया था यार। ये कल के रखे हुए हैं शायद, कल के परसों के, कल के रखे, कल के, हाँ, कल के दो दिन तो होगा यार, दोनों अंडे दे दिए उनने। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे है ना दोनों के दोनों अंडे दे दिए, और कल भी है ना हम अंडे चेंज करने आए जब भी हमने है ना ध्यान नहीं दिया यार, कोने में रखे रह गए, और यहाँ से हम इधर से भी नहीं देख पाते क्योंकि बिल्कुल कोने में रखे हैं। ये देखिए इस वाले कॉर्नर में, तो इतना ध्यान नहीं दे पाए। और यहाँ पे है ना ये मैं बता देता हूँ किस कबूतर के हैं, तो यहाँ पे बाहर चल के दिखाता हूँ मैं आपको। ये है ये ब्लैक वाली फीमेल है ना इसके, और ये इसके, ये दोनों के हैं यार ये अंडे। तो इन दोनों कबूतरों ने अंडे दिए हैं यहाँ पे, तो कल पता चल जाता था इनके अंडों का भी कुछ करते हैं हम। तो अभी तो यहाँ पे है ना इनने अंडे एक्सेप्ट कर लिए, यहाँ पे इनको हम ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे अब। और यहाँ पे धूप भी निकल रही है, कबूतरों को हम क्या करते हैं यार थोड़ा घूमने देते हैं यहाँ पे अपनी मर्जी से, है ना इन्जॉय करने देते हैं यहाँ पे, घूमने फिरने देते हैं। और थोड़ी देर बाद क्या करेंगे, हमें दाना वाना डाल के है ना बंद कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे है ना हम सारे कबूतरों को बंद कर रहे हैं, क्योंकि यार यहाँ पे देखिए यार बेरी आ चुकी है। अच्छा है हमने गौर करके देख लिया, ये देखिए ये यहाँ पे लटकी हुई है, ये देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रही है बादलों में उड़ रही, कितने ऊपर है यार, बहुत ज़्यादा ऊपर है यार, ये देखिए। हाँ ज़रा ही मिनी से जाइए, तो हम है ना इनको है ना कबूतरों को सारों को बंद कर देते हैं। आजा आ आ आ ले ती 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 सब हो रहा है ना, बंद देखना आया आ। अबे यार एक कबूतर उड़ रहा है, ये देखिए ये वाला दोस्तों कबूतर उड़ रहा है, ये देखिए आसमान में, इसको बता दे आया आ आ आ आ आ। अरे यार ये फिर नहीं उड़ रहा, आया आ आ आ आ। इसको भी दाना डाल के बंद करना है, आया चलो अंदर अंदर जाएगा डायरेक्ट। चलो हो गया अंदर बंद, अब लगाए थे यहाँ से गेट, बस अपन ने तो गेट लगा दिया यहाँ पे। तो दोस्तों मैंने गेट तो बंद कर दिया है, और ये देखिए अभी तक है ना वो वहीं पे आसमान में लटकी हुई है। तो अब हमें उससे कोई मतलब नहीं है यार, क्योंकि हमने हमारे सारे के सारे कबूतर बंद कर दिए हैं। तो अब चलते हैं नीचे और दाना पानी देखते हैं नीचे वाले परिंदों को भी। दोस्तों यहाँ पे है ना मैंने देखिए गेट इस तरह से लगा दिया, क्योंकि यार कल रात में है ना बारिश आ रही थी तो ये भीग रहे थे। देखिए मैंने ये गेट है ना इस तरह से लगा दिया है, तो ये है ना बिल्कुल भी नहीं भीग रहे थे, यहाँ पानी ऐसे में आ गया था फ्री आराम से, यहाँ पे इस गेट की वजह से यार पानी से बच गए, तो इसलिए ये मैंने गेट यहाँ पे इस तरह से लगाया है। और अभी हमारे डक्स बंद हैं और सारी मुर्गा मुर्गी है ना हमारे खुले हुए हैं, क्योंकि यार ये परेशान करते हैं साथ में इसलिए नहीं खोलते, नहीं तो हम साथ में खोल देते। और यहाँ पे इन्हें तीन अंडे दिए थे, उसके बाद दो अंडे और दिए, उसके बाद इन्हें अंडे बंद कर रखे हैं, और मशीन में है ना हमने तीन अंडे रख दिए हैं, आपको बताना भूल गया था मैं। तो दो जल्दी निकल जाएंगे और एक बाद में निकलेगा जब भी निकले अब वो यार। और यहाँ से है ना अंदर भी चेक कर लेते हैं हम क्या चल रहा है, पुष्पा के पैर खुले या नहीं खुले वो भी चेक करते हैं अभी हम। तो दोस्तों मैं है ना अभी अंदर आ चुका हूँ, और यहाँ पे हमारे बंटी बबली ऐसे ही बैठे हुए हैं यार, पता नहीं अंडे कब देंगे यार, अभी तक है ना ये अंडे दे ही नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। और यहाँ से हमारे देखिए जैक और वीजी भी ऐसे बैठे हैं, ये तो अभी अंडे देंगे नहीं, क्योंकि यार ये एडल्ट होने में भी टाइम लगाते हैं, और फिर है ना ये एक साल में एक दफ़ा अंडे रखते हैं शायद। और आप मुझे कमेंट में बताइएगा कब कब रखते हैं अंडे, और ये तो है ना रख देना चाहिए था यार, इन्हें काफ़ी बड़े हो गए हैं यार, ये एडल्ट हो गए मेरे हिसाब से। तो ये देखिए
लेकिन पता नहीं यार हमारे है ना बंडी बबली का अंडे रखेंगे। और यहाँ पर देखिए पुष्पा ऐसे ही बैठा है यार, इसके है ना पैर देख लेता हूँ मैं, बिल्कुल ठीक है या नहीं। पैर तो यार ठीक है यार, मैं सोच रहा हूँ यार ठीक हो जाए इसके पैर, मतलब ये बिल्कुल है सीधे हो जाए पैर इसके, मैं ये चाहता हूँ यार जैसे और कबूतर देते हैं ना बाकी कबूतर वैसे हो जाए इनके पैर। हाँ नेवला आया था मुर्गियों का, नेवला अच्छा मार ना दे, भगा देना उसे। हाँ तो भगा देना, देख लेना पत्थर मार दो एक हाथ भग जाएगा। दोस्तों अभी है ना हमारे नीचे जो मुर्गियाँ घूम रही हैं ना उनके पास है ना नेवला आया था, नेवला जो होता है जो सांप को मार देता है वो मुर्गियों को ही मार देता है यार, तो वो वहाँ पे आया था तो ये भगा रहा है यार सब मिलके। बिल्ली बिल्ली मुर्गे मुर्गियों कुछ नहीं कहेगी इतनी बड़ी, छोटे वालों कुछ नहीं कहने, छोटे छोटे मुर्गियाँ लेके आए थे ना बस उनको कुछ ना करे यार। और यहाँ पे देखिए हमारी सारी चीज़ें ऐसी कैसी बैठी है, इनका जोड़ा भी आज जल्द से जल्द लग जाएगा हमारे देखिए कैप्टन का। और ये फीमेल ही है ना, हाँ फीमेल ही है, मेल को तो हम ऊपर छोड़ के आ गए थे, मैं एकदम मेल जैसे लगाया ये सेम टू सेम। लेकिन मुझे लगता है इंशाल्लाह जल्दी जल्दी इनका जोड़ा भी लग जाएगा और फिंचेस भी यार जल्दी जल्दी अंडे दे देंगी मुझे लगता है, क्योंकि ये नेस्टिंग मटेरियल काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा कर रही है। यहाँ पे भी काफ़ी नेस्टिंग मटेरियल देखिए, अभी तक अंडे दिए या नहीं दिए, नहीं दिए यार। और दोस्तों आपको ये भी बताना है कमेंट बॉक्स में फिंचेस है ना कितने दिन में अंडे देती हैं, अगर उन्हें एक अंडा दे दिया तो फिर वो कितने दिनों में अंडे पूरे कर देती हैं और कितने अंडे देती हैं, एक दो तीन जितनी क्वांटिटी में देती हैं आप सब बताना कमेंट में। और यहाँ पे अभी हमारे फिंचेस भी ऐसी घूम रही हैं, खाना तो देखिए यहाँ भरा रखा हुआ है पूरा पूरा, ये भी भरा हुआ है, पानी भी भरा हुआ है जो हमने कल ही चेंज किया था, यहाँ पे ये पानी भी रखा हुआ है, तो अभी हम शाम को ये पानी भी दूसरा बदल देंगे। दोस्तों यहाँ पे है ना मैंने जो चीज़ बनाई है वो मैं आपको अभी नहीं दिखा सकता, क्योंकि यार जो मैंने बैटरी ऑर्डर कर रखी है ना वो अभी तक नहीं आई है यार, जब बैटरी आएगी जब भी हम इसे है ना चालू कर सकते हैं, और जिस दिन भी चालू करूँ ना मैं उस दिन आपको दिखा दूँगा। और यहाँ से है ना ये तो हमारा फुल कम्प्लीट हो चुका है, कलर से भी सब चीज़ों से कम्प्लीट हो चुका है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है यार, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और आपको बताइए कमेंट में कैसा लग रहा है, क्या खरगोश होगी तो खरगोश तो लाएंगे ना अपन अभी। ये देखिए दोस्तों क्या लाइट लगाएंगे कैसे यार यहाँ पे लाइट, अपन इतना सा है वो चिपकाने वाली, वो चिपकाने वाली सोजा ला जाएगा। हाँ? दोस्तों आपको बताना है, लगा देंगे अपन चार्ज करते हैं ना फिर लगा देंगे। हाँ तो दोस्तों आप बताइए कमेंट में इसमें है ना कौन सी लाइट लग सकती है यार इस वाले छोटे से घर में, देख लीजिए यार दूर से दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए इतना सा ये घर है इसमें कौन सी लाइट लग सकती है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताना। ये देखिए इसके अंदर जो आप बोलेंगे ना वो ही लगा देंगे। हाँ कैप्टन पर कैसे करता है ऐसे ऐसे हिलाता है। हाँ ये देखिए यार दोस्तों कैसे कर रहा है ये देखिए सुबह से ये ऐसे कर रहा है। अरे जब से हमने छोड़ा है ना दोस्तों मास्टर केज के अंदर पर खोल के ये ऐसे करता है देखिए। हाँ ऐसे ऐसे पर को मटकाता है पता नहीं आपने देखिए। ये देखिए ये देखिए आप ध्यान से देख लीजिए यार, आप मुझे कमेंट बताइएगा यार ऐसा क्यों करता है ये देखिए ऐसा करेगा ये देखिए। मैं लगता है जंगली कबूतर दिखते होंगे जब ये करता है। जंगली कबूतर अभी कहाँ है आसमान में, एक भी जंगली कबूतर नहीं है फिर भी कर रहा है ये देखिए। हाँ ये देखिए दोस्तों कैसे कर रहा है ये देखिए, और उड़ के उधर बैठ गया आप, अब यहाँ बैठ के नहीं करेगा थोड़ी देर बाद यहाँ पे बैठेगा फिर से करने लगेगा, ऐसे ऐसे पर मटकाता है। शुरू दिन हमने छोड़ा था ना जब तो और ज़्यादा कर रहा था, अभी कुछ कम कर दिया है इसने, परों को है ना अपने दोनों को हिलाता है आपस में ये देखिए फिर करने लगा है, इस तरह से करता है ये जैसे फीडिंग मीटिंग मांगते हैं ना बच्चे वैसे करता है ये सेम टू सेम। और इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ क्या कमी बची है, यहाँ पे है ना एक यहाँ पे लगना है जाली जो हमने बनाई थी पिंजरा जाली का, वो पिंजरा अभी रखा हुआ है एक जगह, मैं आपको बता दूंगा वो क्या काम में लगा हुआ है पिंजरा अभी, तो पिंजरा भी हम लगा देंगे जिस दिन खरगोश मरगोश लाएंगे वो तो थोड़ी देर का काम है, तो यहाँ पे वो पिंजरा लग जाएगा। और यहाँ पे लग जाएगा एक जाली वाला गेट, इसलिए हमने यहाँ से खुला छोड़ा है क्योंकि यार हमें बाहर से भी दिखना चाहिए खरगोश हमारे, तो इसलिए हमने ऐसा करा है यहाँ पे। और कुछ दिनों में हम यहाँ पे मुर्गियों का यार हमारा पिंजरा बनाना भी तैयार करेंगे, और इसमें हम तोतों को शिफ्ट कर देंगे जिससे यार बजीज फ्री हो जाए हमारी, ये वाली बजीज जो इसके साथ हमें रह रहा है ना ये फ्री हो जाएंगे, और फ्री होने के बाद शायद जल्दी जल्दी अंडे दे दें। और यहाँ से हमारी वो हम बटेर लेके आए थे वो भी अंडे दे दें यार, आप सब बताइएगा अंडे कितने दिन में कौन कौन सा परिंदा देता है जितने हमारे पास हैं उनका सबको आपको शेयर ज़रूर से ज़रूर करना है मुझे। तो बस यार यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो ना वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।